हे भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। बॉलीवुड में बायोपिक्स का चरण तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और फिल्म मेकर्स आए दिन कोई ना कोई पर्सनालिटी पर बायोपिक का ऐलान कर ही देते हैं, और इसमें एक और दिग्गज का नाम शामिल हुआ है और वो नाम है एमएस बिट्टा का। जी हाँ, आपको बता दें, जल्द ही एमएस बिट्टा पर बायोपिक बनने जा रही है। आपको बता दें कि मनिंदरजीत सिंह बिट्टा अक्सर आतंकवादी विरोधी अभियान चलाने के लिए सुर्खियों में रहते हैं और उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के साल भर पहले स्वर्ण मंदिर में तिरंगा फहराने का ऐलान कर चर्चा में आए बिट्टा पर बायोपिक बनाने के राइट्स निर्माता शैलेंद्र सिंह ने खरीदे हैं, और हाल ही में एमएस बिट्टा को सिद्धि विनायक मंदिर में स्पॉट किया गया, जहां बिट्टा ने अपनी अपकमिंग मूवी पर जमकर की मीडिया से बात, वही करते दिखे मोदी के भी गुणगान। तो आप खुद ही डालिए इस वीडियो पर नजर। ये मत कभी सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीएम है, सीएम सीपीआई है, प्रथम राष्ट्र। जो प्रथम राष्ट्र के लिए काम करे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई हो, अगर मोदी जी कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दे रहे हैं तो मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, तो हमारा उनको सलूट है, उनको शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं। पॉलिसी सरकार की बहुत मजबूत है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, और ये पिक्चर भी आतंकवाद के ऊपर है कि जरूरी नहीं आतंकवाद के खिलाफ फोर्सेज ही लड़ती रहे, हम भी आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, लोगों को कैसे जगा सकते हैं। प्रिया गुप्ता जी मेरे बहन जी हैं, शैलेंद्र जी हैं जिनको राष्ट्र के लिए काम करने का, बहन जी गुप्ता जी को काम करने का बड़ा इनको इनके अंदर जज्बा है, तो इन्होंने ही शुरुआत की है कि जो हमने अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पण किया है, और जो भी राष्ट्र के लिए आज तक अपने शरीर पे 14 बार बम्बों से और गोलियों से जो झेला है, वर्दी नहीं, वर्दी के बगैर, एक होती है वर्दी में अपने कर्तव्य को पूरा करना, एक वर्दी के बगैर राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा उनके चरणों में तैयार रहना। तो इन्होंने मेरी स्टोरी देखी तो इन्होंने मुझे कहा मूवी के लिए, तो मैं तैयार हुआ, तो आज ब्लेसिंग ली है। इस मूवी के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पैसे का है कुछ है, इसमें सिर्फ एक है कि राष्ट्र की सेवा, कि हम आने वाली युवा पीढ़ी को ये बताएं, जरूरी नहीं पुलिस या फौज ही वर्दी पहन के काम कर सकती है, उसके बगैर ही मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा, मातृभूमि की सेवा कर सकते। हे भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। मन में बंदे मातरम, तन में बंदे मातरम, शरीर के चलते हुए खून में बंदे मातरम, खंजरे कातिल कभी भी खत्म कर देना हमें, आखिरी चीख भी निकलेगी, निकलेगी बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम।